था कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की लेडीज डॉक्टर के साथ रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और क्या हुआ उस वक्त, तो जैसे 15 अगस्त को तो खैर अपना देश आजाद हुआ था तो सब लोग उसको स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वक्त 2024 में कोलकाता में कुछ ऐसा केस हुआ। इंडिया में सबसे ज्यादा हालत खराब है इस बारे में, रेप्स कुछ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप जगह जगह देख रहे होंगे। एक और रिसेंट में उत्तराखंड में आया है एक केस, और भोपाल में भी एक केस है मंगलवार का, जो लोगों ने शायद स्टोरी वगैरह डाली थी, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। तो क्या हो रहा है ऐसा इंडिया में, क्यों बढ़ते जा रहा है रेप? बात होगी वो सबसे पहले तो जो रेपिस्ट हैं उनको सजा क्यों नहीं मिलती, उनको सजा सबसे पहले मिलने चाहिए उसी वक्त और सबके सामने, पूरे पब्लिक के सामने उन्हें ऑन स्पॉट सजा देने चाहिए। तो क्यों नहीं होता हमारे इंडिया में ऐसा, क्यों सजा नहीं देते, क्यों उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल जाता है अगर कुछ करता है और 10 महीने या 1 साल या 5 साल बाद उन्हें जेल से भी रिहा कर दिया जाता है, तो क्यों रखा जाता है उन्हें जेल में? जेल में नहीं जाना चाहिए, उन्हें ऑन स्पॉट सजा देना चाहिए। ऐसा हमारे इंडिया में क्यों है कि उन्हें डायरेक्ट जेल में भेजते हैं, पहले केस होगा उनके ऊपर, FIR होगी, ये वो, तो ये सब कुछ होगा और जिसके साथ हुआ होगा, जिसके साथ गलत हुआ होगा उसकी कोई नहीं सुनता। एक पुलिस ऑफिसर और सामने 40-50 लोग, रिसेंट में यही कोलकाता में हुआ, तो जिस वक्त तो उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो 3 घंटे बाद उनके घर वालों को बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली। बट ऐसा तो हुआ नहीं, इस पर चश्मे के निशान, चश्मे के गिलास गड़ा हुआ है, ये हुआ तो ये क्या सुसाइड है, तो ये थोड़ी सुसाइड होता है 3 घंटे बाद आपके घर वालों को बताया जा रहा है और फिर उसके बाद 6 घंटे या 4 घंटे बाद FIR हो रही, तो क्या है? और उसी वक्त 2 घंटे बाद जब हुआ तो उतनी सारी 40-50 लोगों की भीड़ वहाँ पर मौजूद अस्पताल के बाहर, वहाँ पर हंगामा करती हुई, कौन थे वो लोग और क्यों, क्या चाहते थे वहाँ से, ऐसा क्यों किया जा रहा है, या फिर सबूतों को मिटाया जा रहा था कि जो सबूत है वहाँ के मिटाए जा रहे हैं, वो लोग आए थे क्या उन्हीं में से कोई था, यानी कि कोई रिलेटेड था जिनकी वजह से वो इतनी सारी भीड़ आई और वहाँ के एविडेंस को मिटा रही थी और यानी उधर के सबूतों को ख़त्म कर रही थी, तो क्या था ऐसा मतलब, यानी अगर जैसे केस हुआ है तो केस इतनी लेट क्यों हुआ है? जैसे अगर मान लीजिए ऐसे केस होता है तो अगर कोई और हो, जैसे कोई बड़ा आदमी होता है या कोई बिल्डर वगैरह बिजनेसमैन होता है, जब कोई अगर उसकी भी गलती होती है हमारे इंडिया में, जैसे कि रिसेंट में एक पोर्शे कार वाले ने भी एक एक्सीडेंट किया था वहाँ, बच्चे ने 17 साल के बच्चे ने, तो उस पर केस क्यों नहीं हुआ? और उसी वक्त 1 घंटे बाद वहाँ के पूरे मिनिस्टर्स का कॉल आ रहा है और बड़े बड़े पुलिस SP ऑफिस और SP वगैरह क्यों उस पुलिस स्टेशन डायरेक्ट गए? वो ज्यादा बिल्डर का लड़का था, इस वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा ये है कि इसमें सबसे ज्यादा खराब सिस्टम ये। और एक और बात कहना चाहूंगा जो रेपिस्ट पढ़ रहे हैं इसमें, कि जो अच्छी लड़कियां हैं, जो खराब लड़कियां हैं उनकी वजह से अच्छी लड़कियां, जैसे अभी डॉक्टर है, जबकि डॉक्टर तो जान बचाता, उसकी क्या गलती? खराब लड़कियां, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर आप लोग देखते भी होंगे, इंस्टाग्राम पर कितनी गंदगी मचा के रखी, बदतमीज लड़कियां और भी सब कुछ, यानी कंटेंट क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ नहीं, बस उन्हें तो लाइक फॉलो के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उन पर क्यों बैन नहीं होता, उनकी ID क्यों बैन नहीं होती, कि भी ID बैन होना चाहिए, क्यों नहीं होती उनकी ID बैन? और वो वीडियो डालती हैं जैसे कि कोई लड़की है और बेकार सी वीडियो डालती है, अश्लील टाइप वीडियो डालती है, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर यही आपको देखने को मिलेगा, जब भी इंस्टाग्राम खोलेंगे ओपन करेंगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी जो आप समझ सकते हैं। और जो लड़कियाँ हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं उनका नाम भी बताऊँगा इंस्टाग्राम पर कौन है, और उनके तो खैर अकाउंट को ही बैन होने चाहिए, उनकी वीडियो को बैन होने चाहिए, क्यों नहीं होती उनकी बैन? उनको पब्लिक अगर कमेंट भी करती है तो भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उनके ऊपर उनकी वीडियो को भी डिलीट होना चाहिए, अब जैसे उनका अकाउंट बैन होना चाहिए। मैं जैसे बताना चाहूँगा बहुत अश्लील लड़कियाँ भी हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी वजह से अच्छी लड़कियों का रेपिस्ट बढ़ रहा है, तो सिर्फ इस बात से भी बढ़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पॉइंट यही है माना जाए तो। अगर जैसे कोई लड़की है, कोई छोटे छोटे कपड़े स्कर्ट वगैरह तो ठीक है, बट उससे भी छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बना रही है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वो छोटे मोटे क्रिएटर ही बताऊँगा, बड़े भी नहीं है। और बॉलीवुड्स में भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं, उन पर क्यों बैन नहीं लगता, क्यों वो
इतनी होती हैं, लोगों के सामने चलती हैं, और कुछ जो आपके ख्याल में भी आता है, सबके ख्यालों में आता है ऐसा कुछ, तो क्यों नहीं होता वो बंद। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इंस्टाग्राम पर जो लड़कियाँ उनको भी बैन होना चाहेंगे, जैसे कि भाभी का राज होते हैं, खुशी यादव हैं, भी दो चार लड़कियां हैं मैं नाम बताना चाहूँगा, उनके भी अकाउंटों को ब्लॉक होना चाहिए। जो भी अगर अश्लीलता फैला रही हैं लड़कियां, सोफी अंसारी जो भी अश्लीलता फैला रही हैं लड़की वीडियो में, उनको अकाउंटों को ब्लॉक होना चाहिए। याशिका नाम उनकी कोई एक लड़की है, वो भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा बेकार वीडियो डालती हैं, उनकी वजह से अच्छी लड़कियाँ फंस जाती हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। तो ये बंद होना चाहिए इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना। अगर आपको लगता है सही तो आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे कि हाँ कि अकाउंट बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी राय क्या है। अगर अकाउंट बंद होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा कि जो अश्लीलता फैला रही है लड़का हो या लड़की, उसके अकाउंट बंद होना चाहिए। आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक किस पर है, सोशल मीडिया पर, और इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर है वो माइंड डाइवर्ट करता है, वो क्या क्या सोच में आता है आप लोग सब समझ सकते हैं कि अगर वीडियो कोई देख रही है उसके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है वो, तो उसके ख्याल में क्या हो रहा है, और वो फिर दूसरी लड़कियों को देख के क्या सोचता है। तो सबसे मेन फोकस कहाँ जाता है, वीडियो पर। अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसके ख्याल में, उसके दिमाग में हमेशा गलत ही रहेगा। अगर वो वैसा कुछ नहीं देखा तो हर लड़की को नॉर्मली देखेगा। अगर जैसे कोई लड़की जा रही है, अगर वो अच्छे भी कपड़े पहनी हो तो उसके ऊपर भी गलत नज़रों से देखा जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा किस बात से हो रहा है, ये इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाई हैं। दो चार बॉलीवुड स्टार हैं, या शर्मा एक और है कि वो बहुत ज़्यादा बेकार है। वो ज़्यादा वीडियो ही ऐसी डालती है कि लोग उसको कमेंट इतने बेकार बेकार करते हैं, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक भाभी का है जो मैंने बताया इंस्टाग्राम क्रिएटर है, वो उसको भी कमेंट इतने बेकार बेकार करते, वो खुद बताती है मैं ये वो खुद बताती है वो अपना सब कुछ। तो उनके अकाउंटों को बैन होना चाहिए, क्योंकि उनके अकाउंट जब तक बैन नहीं होंगे तो अपने इंडिया की हालत सुधरेगी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। और बॉलीवुड स्टार है शर्लिन चोपड़ा, तृप्ति दिमरी, निया शर्मा, और जो फिल्म्स हैं कबीर सिंह है, एनिमल है, ऐसी मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ ही नहीं होना चाहिए। अगर ये रिलीज़ होंगी तो फिर से माइंड डाइवर्ट होगा लोगों का, लोग देखेंगे फिल्म तो कुछ और माइंड के अंदर लगेगा, वहीं टाकीज में कुछ ऐसा कुछ गलत गलत कमेंट भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर ये बात को वापस नहीं करेंगे तो ये रेपिस्ट बढ़ते जाएंगे, रेप बढ़ते जाएंगे इंडिया में। आज देख लीजिए आप, कम से कम साल 4 से 5 रेप केस आप लोगों ने देखे सोशल मीडिया पर और भी न्यूज़ पर, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इस जगह पर। तो ये बंद होना चाहिए। अगर आप लोग सही समझते हैं, अगर मैंने बात अच्छी करी तो वीडियो पर कमेंट करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम अपन बात करेंगे इस बात पे कि भोपाल में सबसे ज़्यादा भूत आ रहा है, हर जगह भूत आ रहा है, कहीं फार्म हाउस पे, कहीं मोहल्ले में, कहीं गलियों में, और भी जगह उन पर भूत आ रहा है, तो उन पर बात करेंगे। तो जब तक के लिए मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।